हेलो गाइज वेलकम टू माय चैनल और इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर थ्री पॉइंट वन वन सेल सी एम एफ इंटरनल रजिस्टेंस की वन बाय वन इन तीनों टर्म को हम समझेंगे तो स्टार्ट करते हैं यू ऑलरेडी मेंशन दैट अ सिंपल डिवाइस टू तो मेंटेन अ स्टडी करंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज इलेक्ट्रोलिटिकल सेल ठीक है तो एक सर्किट में अगर हमें कंटिन्यूअस्ली करंट फ्लो कराना है तो क्या करना पड़ेगा इसे सेल से कनेक्ट करना पड़ेगा तो सेल ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड करता है बाय फ्रॉम केमिकल एनर्जी तो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिक सेल ओके नाउ बेसिकली यह सेल हैज़ टू इलेक्ट्रोड गोल द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव ठीक है दो हैं जैसे आप डायग्राम में देख सकते हो ठीक है ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है ये एनोड होगा और ये कैथोड होगा इसमें इस केस इस में ठीक है और इसके बाद दे आर इमर्स इन एन इलेक्ट्रोलिटिकल सोल्यूशन इसको हमने इलेक्ट्रोटिकल सोल्यूशन में डिप किया ओके डिप्ट इन द सोल्यूशन द इलेक्ट्रोड एक्सचेंज चार्जेस विद द इलेक्ट्रोलाइट ठीक है तो ये इसके साथ क्या करेगा ये चार्ज सेक्शन करेगा से, जैसे कि मैं बोलता हूँ जेडन है ओके पॉजिटिव एनोड मेरा जेडन है नेगेटिव इलेक्ट्रोड ये कॉपर है ओके और यहाँ पर पोरस मेम्रीन है ठीक है यहाँ सॉल्यूशन किसका है इसका है सल्फेट सॉल्यूशन है जेड एन एस ओ फोर और यहाँ पर सी यू एस ओ फोर है ओके अब क्या होगा देखो जेड एन क्या करेगा जेड एन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में कितना है आ, तो जीरो पॉइंट सेवन सिक्स से, माइनस जीरो पॉइंट सेवन सिक्स फोर मतलब ये क्या हो जाएगा जेड एन जेड एन प्लस टू में कन्वर्ट हो जाएगा ठीक है आइनस हो जाएगा और टू इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ठीक है जेड एन क्या हो गया लूज जेड एन बन गया ओके तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ गया ठीक है इसलिए क्या ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है तो जो एनोड होगा नेगेटिव इलेक्ट्रोड होगा इसमें ओके जेड एन नाइन तो जेड एन की कंसनट्रेशन क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी जेड एन प्लस टू की कंसनट्रेशन सोल्यूशन में इंक्रीज हो जाएगी ठीक है यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है ठीक है इस साइड क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है ठीक है लेकिन जब कॉपर कौ, की देखोगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है प्लस जीरो पॉइंट थ्री फोर है ना ठीक है तो अब क्या करेगा कॉपर लेकिन कॉपर क्या हो जाएगा यहाँ ऑक्सीडाइज हो जाएगा ठीक है जब इसे इस हम कनेक्ट कर देंगे ना इससे ये पास से कनेक्ट कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को एक प्रेशर मिलेगा बेसिकली जो जब कन्वर्ट हुआ ऑक्सीडेशन हुआ तो ये इनको एनर्जी मिलेगी बेसिकली और ये एनर्जी से मूव करेंगे इस इसके थ्रू जो भी रजिस्टेंस हम लगाएंगे जो भी पाथ जो भी वायर है है ना इसके थ्रू मूव करेंगे और यहाँ पर पहुँच जाएंगे ठीक है और यहाँ पर क्या होगा देखो जो कॉपर आयन है सॉल्यूशन में से वो क्या हो जाएंगे कन्वर्ट हो जाएंगे दो इलेक्ट्रॉन गेन करके ये बन जाएगा कॉपर ठीक है तो यहाँ रिडक्शन हो रहा है ठीक है यहाँ रिडक्शन हो रहा है और जैसे सल्फेट आयन है ना यहाँ पर जो सल्फेट आयन है ये क्या करेगा अब जेडन का कंसेंट देखो यहाँ बढ़ गया जेडन प्लस टू का कंसेंट्रेशन बढ़ गया तो इसको कंपनसेट करने के लिए एस ओ फोर यहाँ से यहाँ मूव करेगा ठीक है एस ओ फोर कहाँ से ए से बी की तरफ मूव करेगा ठीक है वो कब होगा लेकिन जब करंट फ्लो करेगा तब ऐसा मूव करेगा ठीक है जब हम कनेक्ट नहीं करेंगे तब मूवने तब मूवमेंट नहीं होगा इलेक्ट्रॉन का जब हमने कनेक्ट नहीं किया है कनेक्ट करने के बाद ये मूवमेंट होगा ठीक है तो आप देख सकते हो कि जो इलेक्ट्रॉन है कहाँ से कहाँ फ्लो कर रहे हैं इधर इस डायरेक्शन से ओके और इन साइड कहाँ मूव कर रहे नेगेटिव आयन जो मूव कर रहा है ऐसे वो फोर टू नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है ये इधर मूव कर रहा है ठीक है इसलिए जो करंट की डायरेक्शन होगी अभी हम बात करेंगे तो करंट डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन की ऑपोजिट होगी ठीक है तो देखो नेगेटिव चार्ज यहाँ मूव कर रहा है तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी इसके ऑपोजिट होगी ठीक है तो देखो करेंट डायरेक्शन क्या है ये रही करेंट के डायरेक्शन जो इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के ऑपोजिट है ओके यहाँ पर ये एरो गलत बना है ना ये वाला एरो इधर होना चाहिए था ठीक है और इनसाइड क्या है लाइक करेंट की डायरेक्शन ऑपोजिट टू इलेक्ट्रॉन फ्लो ठीक है आगे देखते हैं फिर सो नाउ द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हैज़ अ पोटेंशियल डिफरेंस वी प्लस बिटवीन इट्स एंड द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इलेक्ट्रोटिक सोल्यूशन टू दिस मार्क ए ठीक है तो जो इलेक्ट्रोड होगा और इसके बीच में है ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस इनके बीच में क्यों क्या कर रहा है चार्ज एक्सचेंज कर रहा है यहाँ पर ठीक है कॉपर और ये जो इलेक्ट्रोड है जो कॉपर आए ना ये इससे चार्ज एक्सचेंज कर रहा है इसलिए यहाँ पर क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस होगा और कितना पोटेंशियल डिफरेंस हम बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पॉजिटिव पोटेंशियल डिफरेंस है तो ये वी प्लस बोल रहे ठीक है ठीके? और नेगेटिव में वी नेगेटिव होगा क्योंकि यहाँ क्या, क्या कर रहा है जिंक क्या कर रहा है इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है ठीक है जिंक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है तो यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर नेगेटिव पोटेंशियल होगा ठीक है सो नाउ इसके बाद

कितना ठीक है जब कोई करंट फ्लो नहीं करेगा हम इसे कनेक्ट नहीं किया जब तब इसमें क्या रहेगा पूरे इलेक्ट्रोलाइट में पोटेंशियल सेम रहेगा ठीक है तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है जब इनमें हमने कनेक्ट नहीं किया इसे ठीक है तब कितना है पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों का डिफरेंस होगा ठीक है मतलब V प्लस माइनस माइनस V नेगेटिव ठीक है तो कितना देगा एडी जैसे सपोज जैसे मैंने जिंक और कॉपर की बात की थी ना तो कितना होगा जिंक कॉपर का 0.34 पॉइंट माइनस माइनस जीरो पॉइंट सेवन से ठीक है तो ये कितना आता है वन पॉइंट वन वोल्ट आ जाता है ठीक है तो ये पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए इन दोनों टर्मिनल के बीच में हो जाएगा ए और बी के बीच ठीक है तो ये आ गया यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस इतना दिस डिफरेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल और उसको हम क्या बोलते हैं ई एम एफ ऑफ द सेल बोलते हैं ठीक है और सिंबल क्या ई दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द दिस टू टर्मिनल्स ओके नाउ इसको डिफाइन कैसे करेंगे और हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि अगर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ऑल थ्रू आउट द सेल मूव कराना है हमें यूनिट पॉजिटिव ऑल थ्रू आउट द सेल मूव कराना है तो जितना हमें वर्क करना पड़ेगा दैट विल बी द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ठीक है तो देखो आगे देखते हैं फिर इसके बाद नोट दैट इज एक्चुअली अ पोटेंशियल डिफरेंस नॉट अ फोर्स ठीक है अब ये फोर्स नहीं है पोटेंशियल डिफरेंस ही है ये वोल्टेज ही है बट फोर्स नहीं है नाम में लग रहा होगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स लेकिन ये फोर्स नहीं है द नेम ई एम एफ हाव एवर यूज बिकॉज ऑफ हिस्टोरिकल रीजन्स एंड वॉज गिवन एट अ टाइम वन द फिनीट नॉट अंडरस्टूड प्रॉपरली ठीक है तो जो इसलिए नाम में हिस्टोरिकल रीजन्स है जब इसको फिनोमी को अच्छे से समझा नहीं था तब इसका नाम दिया गया था और उसी को नाम को कंटिन्यू रखा इसलिए ये नाम में हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को समझना है कि क्या है पोटेंशियल डिफरेंस है ना कि फोर्स नहीं टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ यू कंसिडर रजिस्टर आर कनेक्टेड अक्रॉस द सेल ठीक है इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं सेल को एक आर से कनेक्ट करते हैं एक रजिस्टर से कनेक्ट करते हैं जैसे आप देख सकते हो ओके हाव एवर द नेम या अ करेंट आई फ्लो थ्रू आर फ्रॉम सी टू डी ठीक है और क्या कर हैं जब हम कनेक्ट करेंगे इसे तो एक करंट आई फ्लो करेगा इससे बी से लेके बी से ए की तरफ करंट सॉरी नॉट बी से नहीं ए से बी की तरफ है ना वहाँ से तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे उस डायरेक्शन में तो तो ये करंट फ्लो करेगा यहाँ पर नाउ ओके uh, okay. और एस एक्सप्लेन बिफोर अर स्टडी करेंट इज मैंटेन बिकॉज करंट फ्लोज फ्रॉम एन टू पी थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट ओके क्लियरली अक्रॉस द इलेक्ट्रोलाइट द सेम करेंट फ्लोज थ्रू आउट द इलेक्ट्रोलाइट बट फ्रॉम एन टू पी वेयर एज थ्रू आर इट फ्लोज फ्रॉम पी टू एन ठीक है यहाँ पर तो देखो क्या हो रहा है इलेक्ट्रॉन कहाँ फ्लो कर रहे हैं इधर एन टू पी फ्लो कर रहे हैं जिंग से इलेक्ट्रॉन लूज़ करा था यहाँ जा रहे हैं ओके okay? लेकिन इनसाइड क्या हो रहा है जो आयन मूव करेंगे जैसे इलेक्ट्रॉन की अगर बात करो आयन मूव करेंगे बेसिकली इनसाइड तो ठीक है सल्फेट आयन है वो कहाँ से कहाँ एन टू पी सॉरी पी टू एन जाएगा पी टू एन जाएगा तो करिंग डिटेक्शन क्या होगी इनसाइड क्या होगी जो बाहर की डायरेक्शन है उसके ऑपोजिट मतलब यहाँ करिंग डिटेक्शन क्या है ये है और यहाँ पर क्या करेंट डायरेक्शन इसके ऑपोजिट मतलब ये करिंग डिटेक्शन ये ठीक है इनसाइड बाहर ए टू भी है और अंदर क्या है बी टू ए या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं बाहर पी टू है ना डायरेक्शन और अंदर क्या है एन टू पी ए ठीक है ऑपोजिट होगी सेल के अंदर करंट के डायरेक्शन द इलेक्ट्रोलाइट थ्रू विच अ करंट फ्लोज हैज अ फाइनाइट रेजिस्टेंस स्मॉल आर कॉल्ड द इंटरनल रेजिस्टेंस ठीक है जो इलेक्ट्रोलाइट है ये भी क्या करेगा करंट के फ्लो में आयन के मूवमेंट में हंड्रेंस ऑफर करेगा ठीक है तो उसकी वजह से रजिस्टेंस है और इसको क्या बोलूंगा मैं इंटरनल रजिस्टेंस ऑफ द सेल ठीक है सेल का इंटरनल रजिस्टेंस स्मॉल आर से डोनोट करता है ओके इसके बाद चलो नेक्स्ट इसके बाद है कंसिडर फर्स्ट द सिचुएशन वेन कैपिटल आर इज इनफाइनाइट सो दैट आई इज ईगल टू वी अपॉन आर इज इगल टू जीरो ठीक है तो सबसे पहले हम देखते हैं अगर मानते हैं अगर क्या है आर की वैल्यू इनफाइनाइट है मतलब ओपन सर्किट का केस है वो कब होगा जैसे कि अगर मैं इसे कनेक्ट करता हूँ ना यहाँ से मैंने की इंसर्ट करी है यहाँ पर ठीक है ओपन की को ओपन कर देता हूँ ठीक है तब क्या हो जाएगा रेशन इनफाइनाइट हो जाएगा है ना और रेशन इनफाइनाइट हो जाएगा तो कोई करंट फ्लो करेगा क्या होता है करंट वी अपॉन आर ठीक है तो कितना करंट फ्लो करेगा रिसिन फाइनाइट हो जाता तो जीरो करंट फ्लो करेगा ओपन सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा उस केस की बात की है सो नाउ वी आर वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पी एन एन नाव वी कितना होगा जो पोटेंशियल डिफरेंस है पी और एन के बीच में पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पी एन ए प्लस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एन बी एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एन एन ठीक है तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इनके बीच में एन पी और इनके बीच में क्या होगा वो पी और A के बीच में कितना पोटेंशियल है ठीक है यहाँ पर तो ओपन है ना इसके बाद A और B के बीच में कितना है और B और ए के एन के बीच में कितना है ठीक है और ये कितना होगा ये हमने बात ही की थी स्टार्टिंग में इसी को हम ई एम एफ बोलते हैं है ना ये टोटल जो पोटेंशियल डिफरेंस है ठीक है दैट इज अम एफ ई ओके दस ई एम एफ इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव इलेक्ट्रोड इन एन ओपन सर्किट वेन नो कट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट ठीक है तो हम क्या कह सकते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या ईएमएफ वो पोटेंशियल डिफरेंस है सेल का जब इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है ठीक है तो ये पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों टर्मिनल में तब है जब कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है ठीक है इफ़ हाव एवर आर इज फाइनइट आई इज नॉट जीरो इन दैट केस द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पी एन एन इज वी इज इक्वल टू वी प्लस प्लस वी माइनस माइनस आई आर ठीक है लेकिन अगर क्या हो जाए आर फाइनाइट हो जाए मतलब अब हमने क्लोज कर दिया सर्किट अब ओपन सर्किट नहीं है क्लोज सर्किट है ठीक है अब यहाँ भी करंट फ्लो करेगा ठीक है और करंट इनसाइड भी इलेक्ट्रोलाइट में भी करंट फ्लो करेगा ठीक है तो देखो अब क्या होगा जो पोटेंशियल डिफरेंस है डेट विल बी वी प्लस प्लस वी माइनस और माइनस आई आर ये क्या सा है देखो अब यहाँ करंट फ्लो कर रहा है इलेक्ट्रोलाइट के अंदर यानी कि यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस है इलेक्ट्रोलाइट के बीच में ठीक है ए और बी पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं ओम स्लो से निकाल लो विजिकल टू तो आई, आई आर रज कितना स्मॉल आ है ठीक है माइनस क्यों लिया देखो ये माइनस क्लियर करने का पर्पज़ क्या है देखो ना पी और एन के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हैं हम यहाँ वी प्लस बोल रहे हैं यही तो होगा कि ये पूरा पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ कितना है इसके बीच में पी से लेके एन की तरफ पी से एन की तरफ कितना पोटेंशियल डिफरेंस है कैसा पोटेंशियल डिक्रीज़ कर रहा है तो देखो अब पी से एन की तरफ क्या हो रहा है पोटेंशियल डिक्रीज़ कर रहा है लेकिन एन से पी की तरफ मतलब यहाँ बी से ए e की तरफ क्या कर रहा है पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है है ना इसलिए हमने क्या किया है जो पोटेंशियल बोला है ये वी प्लस और वी माइनस की इसको माइनस लिया मतलब इस डायरेक्शन में पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है और यहाँ पर पोटेंशियल पी से यहाँ की तरफ डिक्रीज कर रहा है और यहाँ पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है ओके okay? इसके बाद देखो हमने देखा था वी प्लस और वी माइनस क्या था ये तो ई था ठीक तो e है तो वी आ गया ई माइनस आई आर बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है विज इक्वल टू ई माइनस आई आर ये क्या है पोटेंशियल डिफरेंट बिटवीन द टू टर्मिनल्स ठीक है वेन द करेंट इज फ्लोइंग ठीक है ई एम एफ वैन नो करेंट इज फ्लोइंग दैन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स और आई आर आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोलाइट ओके एट द टू पॉइंट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट ठीक है तो ये आ जाएगा है ना इससे ये भी देखें तो ई एम एफ देखो क्या होता है यहाँ से वी प्लस आई आर मतलब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस प्लस पोटेंशियल ड्रॉप इन साइड द इलेक्ट्रोलाइट ठीक है इन साइड द सेल बोल सकते ठीक है इसके बाद देखो uh, नोट द नेगेटिव साइन इन द एक्सप्रेशन आई आर फॉर द पोटेंशियल डिफ्रेंस बिटवीन ए एंड बी दिस इज बिकॉज द करेंट फ्लोज फ्राम बी टू इन द इलेक्ट मैंने अभी एक्सप्लेन किया इसको आपको इन प्रैक्टिकल कैलकुलेन इंटरनल ऑफ़ द सेल इन द सर्किट मेंगलेक्टेड वैन द करेंट आई इज सच दैट ई इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन आई आर तो हम जब कैलकुलेशन कर देते हैं तो हम जनरली इसको नेगलेट करते हैं ठीक है जब क्या होगा जो ई एम एफ है वो क्या होगा वेरी वेरी ग्रेटर देन आई आर जो पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा है इन साइड द सेल वो काफी का, कम आ रहा है ई एम एफ से ठीक है तब हम उसको नेगलेक्ट कर सकते हैं द एक्चुअल वैल्यूज ऑफ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल्स फेरी फ्रॉम सेल टू सेल और अलग अलग सेल के लिए होगा मतलब कितना पोटेंशियल ड्रॉप है इनसाइड द सेल ठीक है द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ड्राई सेल हाउ एवर इज मच हायर देन द कॉमन इलेक्ट्रोटिक सेल ठीक है और जो ड्राई सेल का रेजिस्टेंस होगा इंटरनेशन वो काफी ज्यादा होगा इलेक्ट्रोलिक सेल के कंपेरिजन में नेक्स्ट जो बोला है वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट द देंस वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर वी हैव फ्रॉम ओम्स फ्राम ओम्सल टू आई आर ठीक है और जो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है हमें पता है ओम्स लॉ से आर के अक्रॉस कितना होगा इस आर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा करंट आई फ्लो कर रहा है तो वी क्या होगा यहाँ आई आर होगा ठीक है आई कैपिटल आर ठीक है ओम्स लॉ से नाउ अब हम इक्वेशन नंबर थ्री पॉइंट फाइव सेवन थ्री पॉइंट फाइव एट को कम्बाइन करेंगे तो थ्री पॉइंट फाइव सेवन क्या थी वी इजिकल टू ई माइनस आई आर था ठीक है इन्हें कम्बाइन किया इस इक्वेशन से तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो आर एच एस को देखते हैं तो आई आर क्या आ गया एप्सेलन माइनस आई आर ठीक है तो यहाँ से आई क्या आ जाएगा इसको देखो आई आर क्यों तो मैंने ले गया ठीक है ये ले गया और एप्सिलन ठीक है आई कॉमन निकाला है यहाँ से आर प्लस आर इज इक्वल टू एपसेलन तो आई क्या आ जाएगा यहाँ एप्सेलन आर प्लस आर तो करेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें अगर ई एम एफ सेल का ई एम एफ ई है एप्सिलन है और रेजिस्टेंस कैपिटल आर है और इंटरस क्या है सेल का स्मॉल आ रहा है तो कर, कितना करंट फ्लो करेगा आई फ्लो करेगा ठीक है द मैक्सिमम करंट दैट कैन भी ड्रॉन फ्रॉम सेल इज आर इज टू जीरो और मैक्सीम करंट कम हो जब आर की वैल्यू जीरो हो जाए ठीक है लेकिन और तब मैक्सिम करंट फ्लो करेगा प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है जो भी वायर हम कनेक्ट करेंगे उसका कुछ ना कुछ तो रेजिस्टन्स होगा ओके हव एवर इन मोस्ट केसेज द मैक्सिमम अलाउव करेंट इज मच लोअर दैन डिस टू प्रिवेंट परमानेंट दल है ना और करेंट की वैल्यू को जो अलाउड करेंट होता है मैक्सिमम उसको कम रखते हैं ताकि अगर ज़्यादा करंट हैवी करंट फ्लो कर दिया ठीक है तो इसमें बहुत ज़्यादा कम हो गया तो क्या हो जाएगा हैवी करंट फ्लो करेगा और सेल को डैमेज हो सकता है हीट अप हो जाएगा और बर्न भी हो सकता है वो खराब हो सकता है ठीक है तो इसलिए हम करंट की वैल्यू को मैक्सिममें अलाउड करेंट की वैल्यू को कम रखते हैं ठीक है तो आई होप आई वॉज एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस पैराग्राफ ठीक है फिर भी अगर आपको लगता है कि मिस्टेक हो गई है मेरे एक्सप्लेनेशन में ठीक है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना ताकि इस वो और भी अगर इसको देखे तो उसको वो मिस्टेक वो ना करे ठीक है और अगर समझ में आए आपको इस वीडियो से कुछ भी तो लाइक कर देना ठीक है फिर इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, ठीक है नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है आ, वो है सीरीज़ सीरीजन पैल तो उसको देखेंगे अगर आपको ये चाहते हो कि मैं ये वीडियो भी बनाऊँ चार्जिन क्लाउड तो सेक्शन में बताना नहीं तो मैं डायरेक्टली आगे नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ जाऊँगा ठीक है तो, थैंक्स फॉर वॉचिंग